राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल मूल रूप से पशुपालन और डेयरी संस्थान के रूप में 1923 में बेंगलोर में शुरू किया गया था। 1936 में इसका विस्तार कर इसका नाम इंपीरियल डेयरी संस्थान रखा गया। 1947 में आजादी के बाद से ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद 1955 में NDRI मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1990 में प्रथम नाम के दुनिया के पहले IVF भैंस के कटड़े के जन्म के साथ NDRI ने एक मील का पत्थर स्थापित किया है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य गाय और भैंसों की नस्ल सुधार में कार्य करना, और इसके तहत हमारा एक जो प्रोग्राम जो हम लोगों ने डेवलप किया है जिसको हम बोलते हैं एनिमल क्लोनिंग, उसका उद्देश्य यह है कि हम जल्दी से जल्दी जो बफलो के बुल हैं उसको हम तुरंत उनकी जो पॉपुलेशन को बढ़ाएं। इसके तहत हमारा जो एनिमल क्लोनिंग की तकनीकी है उसमें हम लोग केवल सोमेटिक सेल्स को लेकर, अगर जो अच्छे नस्ल का बुल है और उसका जो जैसे जो हमारे पास मुर्रा भैंस है और उसका जो सोमेटिक सेल्स को लेकर उसको हम मैनिपुलेट करते हैं उसमें अपने जो बेंच में लेबोरेटरी बेंच में, उसके साथ साथ उसको हम जो क्लोन भ्रूण में जिसको हम जो है क्लोन एम्ब्रियो भी कहते हैं उसमें हम उसको जो डेवलप करते हैं उसके बाद हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके तहत पिछले 2009 में हमारे यहाँ ये हैंड गाइडेड जो क्लोनिंग हम लोगों ने जो विकसित की है, पहले जो क्लोनिंग में हमारी टेक्नोलॉजी थी उसमें ये था कि हम माइक्रो मैनिपुलेटर सिस्टम को लेते थे और जिसकी वजह से जो कि बड़ा एक्सपेंसिव और बड़ा स्किल वाला काम होता था, उसको हम सिंपल सा जिसे बोलते हैं हैंड गाइडेड क्लोनिंग के रूप में हमने हमारे संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया, और उसके तहत हमने अब उसको बड़ा स्टैंडर्डाइज और अब तो हम ये कहेंगे कि ऑप्टिमाइज भी हम लोगों ने कर दी है, और जिसके तहत अभी तक हमारे संस्थान में 24 बफलो हम लोगों ने पैदा किए हैं। और केवल यही नहीं, यहाँ के अलावा ये हमने ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंड की है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में, और उनके द्वारा एक ही बुल से एक साल में 7 बच्चे उन लोगों ने पैदा किए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर इस टाइप की जो मतलब टेक्नोलॉजीज हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक हम अच्छे बुल की पैदावार को हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें उससे आगे जो है सीमन मिलेगा, सीमन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए इस्तेमाल में किया जाएगा, और जिससे हम जो दूध उत्पादन की बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो जो संस्थान लगातार एनिमल क्लोनिंग में काम कर रहा है, इसके साथ साथ अभी हमने हाल ही में गिर में भी हमने जो गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है उस पर भी हमने जो क्लोनिंग स्टार्ट कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि आगे 2-1 सालों में हम उससे भी कुछ जो क्लोन जो अच्छे एनिमल्स को हम पैदा कर पाएंगे और जो कि फिर आगे देश की में दुग्ध उत्पादन में इस्तेमाल में लाए जाएंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने अग्रिम तकनीकों के उपयोग के साथ उच्च गुणवत्ता वाले नर और मादा भैंसों का उत्पादन करने के और देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले भैंस के जर्म प्लांट्स का प्रचार करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे भ्रूण हस्तांतरण तकनीक ETT, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, लेकिन भैंस के प्रजनन में दैहिक कोशिका केंद्रक हस्तांतरण का अनुप्रयोग अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तकनीक की सहायता से उच्च आनुवांशिक गुणों वाली भैंसों का अधिकतम संख्या में उत्पादन संभव हो पाया है। इस विधि में जिस पशु का क्लोन पैदा करना होता है उस पशु के शरीर के किसी भी भाग से दैहिक कोशिकाएं लेकर प्रयोगशाला में संवर्धन करते हैं, जिससे लाखों की संख्या में दैहिक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं का उपयोग करके क्लोन पशु तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अंडाशय से अंडाणु निकालकर प्रयोगशाला में उसे परिपक्व करके केंद्रक को निकाल दिया जाता है।
दैहिक कोशिका और अकेंद्रीय अंडाणु को मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है, जिसकी ब्लास्टोसिस अवस्था का चयन कर मादा आया पशु में प्रत्यारोपण किया जाता है। 310 दिन की गर्भावस्था के बाद एक क्लोन कटड़े का जन्म होता है, जो कि दैहिक कोशिका के लिए लिए जाने वाले पशु के समान ही होता है। इस तरह इस विधि से उच्च गुणवत्ता वाले पशु का गुणन किया जाता है। आइए जानते हैं इस तकनीक की प्रक्रिया के बारे में। क्लोनिंग की प्रक्रिया में ओवरी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अंडाशयों को बूचड़खाने से मंगवाया जाता है। इसके बाद अंडाशयों को साफ पानी से 3 से 4 बार और 2 से 3 बार सलाइन से धोया जाता है, जिससे अंडाशय पर लगा अतिरिक्त रक्त साफ हो जाता है। इसके बाद अंडाशयों से लगे अतिरिक्त ऊतकों को भी कैंची की मदद से हटाया जाता है और अंतिम प्राप्त अंडाशयों को फिर से एक बार धोकर सलाइन में रखकर अगली प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। एस्पिरेशन की प्रक्रिया के लिए मीडिया तैयार किया जाता है। इसके बाद प्राप्त अंडाशयों से एक सुई की मदद से फॉलिक्यूलर द्रव्य को निकाला जाता है, जिसे एक ट्यूब में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकत्रित कर लिया जाता है। प्रयोगशाला में अंडाणुओं की खोज के लिए फॉलिक्यूलर द्रव्य को सावधानी पूर्वक सर्चिंग डिश में डाला जाता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उच्च गुणवत्ता वाले अपरिपक्व अंडाणु की खोज कर फॉलिक्यूलर द्रव्य से अलग कर लेते हैं। प्राप्त अंडाणु को वॉशिंग मीडिया में 3 से 4 बार धोया जाता है। तत्पश्चात धुले हुए अंडाणुओं को परिपक्व मीडिया में 2 से 3 बार धोकर अंतिम चरण के लिए परिपक्व होने के लिए इनक्यूबेटर में 21 घंटे के लिए रख दिया जाता है। परिपक्वन के बाद क्यूमलस कोशिकाओं और जोना पेलुसुडा को हटाना होता है, जिसके लिए 21 घंटे के परिपक्वन के बाद परिपक्व अंडाणुओं से एंजाइमों की मदद से क्यूमलस कोशिकाओं एवं जोना पेलुसुडा को वर्टिकस उपकरण की मदद से हटाते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस प्रक्रिया की जांच की जाती है। इसके बाद अंडाणुओं का अकेंद्रीकरण करने के लिए क्यूमलस और जोना पेलुसुडा रहित अंडाणुओं को एक तेज और सूक्ष्म ब्लेड की सहायता से अंडाणुओं के केंद्र को निकाल लिया जाता है, जिससे वो केंद्रक विहीन हो जाते हैं। केंद्रक विहीन अंडाणुओं को दैहिक कोशिकाओं के साथ विलय की प्रक्रिया में केंद्रक विहीन अंडाणुओं को पहले से प्राप्त दैहिक कोशिकाओं के साथ गूंदनुमा एक रसायन की मदद से एक दूसरे से चिपकाते हैं। अंडाणु एवं दैहिक कोशिकाओं के संयोजन को इलेक्ट्रोफ्यूजन चेंबर में रखते हैं। इस संयोजन को इलेक्ट्रोफ्यूजन उपकरण की मदद से एक निश्चित बिजली का झटका दिया जाता है, जिससे अंडाणु और दैहिक कोशिका का पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इस प्रक्रिया की जांच फिर से सूक्ष्मदर्शी की मदद से की जाती है। इसके बाद इस युग्मनज को 6 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद प्रयोगशाला में अंडाणु का संक्रियण करने के लिए इंक्यूबेटर से प्राप्त युग्मनजों को बिल्कुल अंधेरे कमरे में रसायनों की मदद से सक्रिय किया जाता है। इसके बाद इन्हें 8 दिन तक संवर्धन के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। ये युग्मनज 4 दिन में विकसित होकर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट को प्राप्तकर्ता पशु में स्थानांतरित करने से पहले की तैयारियां। सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा के लिए डांगरी, गम्बूट, एप्रिन और दस्ताने इत्यादि पहने। पशु को अड़गड़े अथवा ट्रेविस में ठीक से बंधवा लें, जिससे व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर उस पर ठीक तरह से चिकनाई या तरल पैराफिन लगा लें और धीरे से हाथ गुदा में डालें और उसमें से गोबर इत्यादि ठीक से निकाल लें। इसके लिए पशु के मलाशय को पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। प्रयोगशाला में ब्लास्टोसिस्ट को एक स्ट्रॉ में लोड करके उचित तापमान पर रखकर पशु तक पहुंचाया जाता है। वहां पर भ्रूण स्थानांतरण गन की मदद से ब्लास्टोसिस्ट को पशु में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसकी जांच अल्ट्रासाउंड मशीनों से की जाती है। इसके 45 दिन के बाद
गर्भावस्था को अल्ट्रासाउंड से जांचा जाता है। 310 दिन की पूर्ण गर्भावस्था के बाद एक क्लोन कटड़े का जन्म होता है। इस विधि में कम समय में एक ही पीढ़ी में बहुत सारे पशु पैदा किए जा सकते हैं। संस्थान पिछले 2 दशकों से इस शोध में लगा हुआ है। इस तकनीक से आज तक 23 क्लोन कटड़े पैदा किए गए हैं, जिनमें कुछ नर और कुछ मादा पशु हैं। वयस्क मादा क्लोन भैंस का कृत्रिम गर्भाधान करके कटड़े और कटड़ी पैदा की गई और उनसे प्राप्त दूध भी सामान्य भैंस की तरह ही था। वयस्क नर क्लोन आज अच्छी गुणवत्ता के वीर्य का उत्पादन कर रहे हैं। इनके वीर्य का उपयोग करके कटड़े पैदा किए गए हैं, जो कि अन्य पशुओं की तरह सामान्य हैं। क्लोन पशु भी अन्य पशुओं की भांति ही हैं और उनकी प्रजनन क्षमता भी सामान्य है। क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके संस्थान का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले नर जानवरों को पैदा करना है, जो कि भविष्य में अच्छे सीमेन की कमी को पूरा करेंगे। इस तरह कृत्रिम गर्भाधान करके जो कटड़ियां पैदा होंगी वो अच्छी नस्ल की होंगी, साथ ही ज्यादा दूध भी देंगी। इससे समाज को पूर्ण पोषण प्राप्त होगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की इस तकनीक से भविष्य में जानवरों की नस्ल सुधार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, जिससे आम जनमानस से लेकर पशुपालकों और डेयरी व्यवसाय को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा।